कभी कभार आपके एक्टिंग में साउथ दिल्ली की आंटी आती है, प्रकट हो जाती है? इस शो में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड. और मैं बहुत श्रेय देना चाहूंगी इसका देवेंदु को, प्रेम को, जो इनफैक्ट बिना कुछ कहे दे ऑल्सो इन शॉर्ट कि ऐसा कुछ ना हो. आपको पता है हमारे दादा कौन है? कौन? कबीर बेदी. आपने खून भरी मांग देखी? A lot of people compared it with a comedy show called Schitt's Creek. Yeah, yeah. तो ये आप लोग clarify करना चाहते हैं? I tell you honestly, अगर आप Schitt's Creek से हमको comparison करें तो it's an honor to begin with. Yeah. Do you think there could be a time where you might have to take a break from content creation? नहीं नहीं, इतने तो projects ही नहीं है मेरे पास. हमारी फैमिली में बहुत मेक बिलीव कहानियां हम जीते थे घंटों. लाइक आई यूज टू ऑलवेज वंडर व्हाट इज माय एल्डेस्ट सिस्टर डूइंग, एंड शी यूज टू सिंग परफॉर्म, एंड वी यूज टू लिव लाइक दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सिंग एंड ब्रेक इनटू डांस. वो बचपन से अगर डिमेंशिया आ जाए ना, इट हेल्प्स इन लाइफ. या हाय, मैं हूं कुशा. हाय, मैं हूं अरुषि निशंक. हेलो, मैं हूं दिव्येंदु. हाय, मैं हूं मुक्ति मोहन. और आप हमें देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा. मुझे ना बहुत टाइम से ना एक वेकेशन पर जाने का मन कर रहा था. मैंने सुना है उत्तराखंड में एक नया कोई होटल खुला है, तो आई थॉट वहाँ के ओनर से बात कर ले. लाइव हिल गई की टीम हमारे साथ. हाय गाइस, कौन है ओनर, कौन है यहाँ पे, बताइए जरा कौन है यहाँ पे. हम दोनों हैं. नहीं, आप दोनों दोनों कैसे हो सकते हैं? वैसे तो इनका है. चला हम रहे हैं. आई थिंक देयर इज अ फाइट ऑल अबाउट. आरुषि, हाउ आर यू डूइंग? आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड that finally इतने लंबे टाइम की मेहनत, finally people going to see this beautiful show. So yeah, very excited. बात बताऊँ अरुषि, ये you think 2 years is a long time? Yeah. कोई भी project को बड़े आराम से 2 साल लगते हैं. तो ये actually कोई बड़ा नहीं हो, तब से बोल रही 2 साल लग गए, 2 साल. Yes, 2 साल किसी को भी लगता है. काफी अच्छा है. But tell us, this was completely conceptualized by you. So what was your thought behind a concept like this? I will not take the full credit, of course not. I can't take that because कोई भी चीज़ जब बनती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनका vision होता है, उनके efforts होते हैं, और उनकी energies भी होती है. So we have a great writers, we have a great directors also who came, gone, but finally this thing could take a shape. बट बहुत मज़ेदार तरीके से ये शो शुरू हुआ था, और डिज़नी प्लस हॉटस्टार का एक कमीशन शो है, दिस इज़ अ हॉटस्टार स्पेशल. बात उत्तराखंड से ही शुरू हुई थी और बात उत्तराखंड तक ही पहुंची है. तो या दैट्स होल आइडिया बिहाइंड हाउ इंडिया मीट्स भारत, इस टैगलाइन को लेकर हम उत्तराखंड में कुछ अच्छा शूट करना चाहते थे. लोगों के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ लाना चाहते थे जहाँ पर लोग हंसे, मुस्कुराएं, यू नो. Because this post-COVID, we have seen there's too much trauma everywhere. Yeah. और इस सोच को लेकर हम एक शो लाना चाहते थे. We wanted to have a correct cast also associated with it. And I'm immensely happy to say, of course, we got the correct cast to shoot with us for this show. And everybody has played their bits, you know. They have contributed into a character और अच्छे से कैसे निकल के आ सकता है, सभी लोगों ने उसमें contribute किया. So yeah, you know what you rightly said, I want to say this, that the cast is such a poster friendly cast ना, इनको देखकर ही मुझे हंसने आ रहा है. मतलब ये क्या है, ये सबकी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि यार मतलब कुछ भी कर लो आप. मैं कहूँ ट्रेलर भी ना देखो, पोस्टर देखकर हंसना चालू कर दिया, सीधा सीधा सीरीज पर ही आ जाओ. दिव्येंदु, I have a question for you, that आप में और खुशा में आपने कोई ऐसी सिबलिंग वाली सिमिलैरिटी पाई? डिड यू फील लाइक कुछ ऐसी चीज? आई थिंक हम दोनों ही बहुत अच्छी नेचर के लोग हैं, बेसिकली. या वेरी हम्बल एंड लविंग एंड वार्म एंड लो मेंटेनेंस एंड वेरी लाइक नो हैंगअप्स व्हाटसोएवर. या मोस्टली दैट. मे आई आल्सो से दैट व्हाट अ ईयर इट हैज बीन फॉर यू. मतलब नो, डोंट जंप, दैट वाज एक्चुअली आई वांट टू ऐड नॉट बिलीव कर लिया उसने. अरे यार क्या करूं, इतने अच्छे एक्टर थे. अच्छा, ये सब गलत था. ऑफ कोर्स
I have been tricked. What is the truth? Rich brats. Entitled. पता नहीं मुझे ये मीन गर्ल्स वाली फीलिंग आ रही, क्या किया इन्होंने आपके साथ? प्लीज आपको देखना पड़ेगा उसके लिए. बट ये एक दूसरे के लिए काफी है. लेटर आई अंडरस्टूड आल्सो कि वो बस एक दूसरे के साथ छोड़ दो. वी आर सच अ फैमिली. या अभी हमारे फादर यहाँ नहीं है, वरना तो और मजा आता आपको. मतलब जो भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई होती है वो देवेंदु और मैंने ढूंढ ली थी. एक बस एक पंक्ति में मैं ये कहना चाहूँ. बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ऐसा नहीं लगता है वो पेरेंट्स जब आपको बाय हार्ट करवाते हैं कि जब आपको गेस्ट मिले तो कहना कि मुझे सिंगिंग और डांसिंग कितना शौक है. आपको पता है हमारे दादा कौन है? कौन? कबीर बेदी. आपने खून भरी मांग देखी? हाँ, तो हमारे खुद के पर्सनल क्रोकोडाइल्स हैं. So yeah, we come from that kind of a family. Crocodile family se aate hain. It's nice, nice background story. Amazing. Yeah. Khusha, yeah, what a beautiful journey you've had from creating content to now doing full fledged acting performances that we love to watch. तो आपके लिए सवाल ये है कि बचपन में वो वाहियात सवाल पूछते थे ना कि बड़े होकर क्या बनना है, आप क्या बोलती थी? ये तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, बिकॉज आज से 6-7 साल पहले मेरा करियर शुरू हुआ है, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहती थी. पर जैसे कि इस देश में सबको ही एक्टर बनना होता है, कहीं ना कहीं सबके दिल में ये उम्मीद तो होती है कि मुझे एक्टर बनना है. सो बट इट वॉज अ वेरी ऑडिशियस ड्रीम टू हैव. मैं जॉब करती थी, मैंने 7-8 साल एज अ राइटर जॉब करी है, एंड आई हैव इंटरव्यूड पीपल एंड दैट वॉज माई मेन गिग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बट द फैक्ट दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल शो, I am so proud of this show. And and 2 साल जो लगे हैं शो को बनने में, as Arushi is also saying, because उन्होंने बहुत काम किया है, स्क्रिप्ट पे बहुत रीवर्क हुआ है, अच्छे लोग लाए गए हैं ऑन सेट, द बेस्ट पीपल हैव कम टुगेदर टू मेक दिस शो. सो 10 years डाउन द लाइन इन hindsight, मुझे बहुत गर्व होगा इस शो पे. तो मैंने उस थॉट के साथ ये शो किया था. एंड मैं तो बहुत ही खुश हूँ. पता नहीं आप देख पा रहे हैं मेरे चेहरे पे कि नहीं, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेके. और थिंग्स जस्ट अलाइंड फॉर अस विद दिस शो. बस सारे चीजें बस सिंक्रोनाइज हुई और एक बढ़िया शो निकल कर आया. आई लव द ट्रेलर. सो या तो मुझे भी सबने बोला है कि ट्रेलर बहुत बढ़िया है, विच इज द रीजन वाई वी आर पुशिंग आउट कॉन्टेंट फ्रॉम द शो. कुछ और इधर उधर की बातें हम कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज आई एम लाइक वी आर लाइक फोकस शो पे रखिए, क्योंकि शो आपको बहुत बहुत मजे दिलाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है. आई थिंक द ट्रेलर सेज इट ऑल. एंड इफ एनीथिंग दैट मडगांव एक्सप्रेस हैज टॉट अस इज, अगर पंचेस और डायलॉग सही हो तो सब कुछ कमाल हो सकता है. एंड वाओ, बहुत सारी चीजें इधर उधर मुझे दिखी, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. मुक्ति, आप तो मतलब 3 बहनों के साथ पली बड़ी हैं, तो यू टेल अस दैट व्हाट इज द सिलीएस्ट आर्ग्यूमेंट एज सिस्टर्स यू फील दैट पीपल वुड डू, आपने किया हो? हाँ, किसी सबसे मतलब बेफिजूल का आर्ग्यूमेंट हो गया था और झगड़े हुए हैं घर पर? हमारी फैमिली में बहुत मेक बिलीफ कहानियां, हम जीते थे घंटों. तो बहनों किसी की जरूरत नहीं थी. व्हाट काइंड ऑफ एनीथिंग लाइक आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर व्हाट इज माय एल्डेस्ट सिस्टर डूइंग, एंड शी यूज्ड टू पुट बेड लाइक अ प्रॉपर व्हाइट कलर बेडशीट एंड पिलोज ऑन टॉप, एंड शी यूज्ड टू सिट देयर विद अ विद अ केप. And she used to sing, perform, and we used to peep from the keyhole ki kar kya rahi hai, ye kya ho raha hai, maybe ye hota hai perform karna. Then we said that we also want to participate. Then she said that tum meri dasi ho aur ye. And we used to live like that for a very long time and sing and break into dance and then use mummy's makeup and bahut sari cheeze humne, matlab I think ek bhi din normal nahi hai family mein. Wow. It's so lovely. And, yeah, it's so enriching. Yeah. वो बचपन से अगर dementia आ जाए ना, it helps you in life. Yeah. the thing is, a lot of the humor is, maybe you won't, it's tough because a lot of times it's very tough to figure out if you're serious or if you're joking. Because वही एक set का माहौल भी था हमारा. How much of improvisation was going on the sets? I think as much as required, honestly. Because I always feel that as actors we have to understand ek jo power of written word hai na, usko samajhna chahiye, usko respect karna chahiye. And improv is always like a garnishing on top of the dish, usko change mat karo scene ko, jitna chahiye utna hi hona chahiye. And we used to do improvs definitely, yes, but more of behavioral,
यू नो नॉट नेसेसरली वर्ड्स या लाइंस को लेके नहीं, बिहेवियर से ज्यादा. ऋषि आपसे पूछना चाहूंगी मैं, यू नो बिकॉज दिस शो इज हाईलाइटिंग उत्तराखंड, अगर किसी को उत्तराखंड जाना हो तो कौन सी तीन जगहों पर डेफिनेटली जाना चाहिए? I think I will leave this question for people who will watch the show because we were shooting in the most two beautiful location. One was Ranikhet and one was Nainital. It was challenging. It was challenging, but it was beautiful at the same time. Nainital to fir bhi theek tha, but Ranikhet jo hai wo bahut interior mein jaake. And I think everyone has encountered the cheetah and the bar and everything. Too good. So ye do life chal rahi thi, ek to shoot wali life chalti thi aur ek shoot ke baad ki life chalti thi, wo bhi same way of adventure tha. To har roz naya setup lagta tha and we shooted very long, I think longest in Uttarakhand. To ye web series apne aap mein ek parameter bhi set karti hai कि उत्तराखंड के ऐसे रिमोट लोकेशंस में भी शूटिंग हो सकती है और होनी चाहिए. एंड वी आर प्रमोटिंग दिस. वी बीन वेरी फॉर्चुनेट, हमारे जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी भैया, ही ऑल्सो केम, मेट एवरीबडी, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम एंड ही सपोर्टेड कि हाउ मोर उत्तराखंड को हम लोग शूटिंग फ्रेंडली बना सके. तो इट वॉज ब्यूटिफुल. आई एम श्योर आफ्टर दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट विल हैव लॉट ऑफ tourism opportunities. But there is this one place, I tell you, I was absolutely mesmerized by it. It's called Garud Tal. Yeah. I mean, it's so untouched. मैं मतलब दिल से चाहूंगा कि ज्यादा लोग ना जाएं क्योंकि बर्बाद कर देते हैं हम जाके. प्लीज अगर आप जाएं तो तमीज से रहिएगा वहां पे. बट वो इतनी अनटच्ड चीज है ना, वो ऐसे एक ग्रीन जंगल के बीच में एक सुंदर सा तालाब, अनटच्ड एकदम, वो बहुत ही बढ़िया है. तो जो एडवेंचर लविंग लोग हैं वो प्लीज वहां पे जाके देखें. उसके पास बर्ड वॉचिंग वगैरह भी होती है. बहुत सुंदर जगह. कैन यू टेल अस ऑफ कैमरा आपको सबसे ज्यादा फनी कौन लगा? मी? हाँ, यू आर आस्किंग मी? यस, क्योंकि इन सब में क्वर्क्स है. क्योंकि मुझे ना हर बार आई हैव टू जज व्हाट देवेंद्र सिंह वो सच में, मतलब ही मीन इट और इज ही एक्टिंग और ही इज पुलिंग माय लेग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड कुशा इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प मी. it's taken a while. Yeah, so you take a time to understand ki why he's saying something and where it's leading to. But this is a most interesting and fun journey I had. ज़्यादातर मैं चिल्ला ही रही थी shoot पे, so I didn't have. आप चिल्ला रही थी? Yeah, it's a sad part of being a producer. Every time she used to come, she used to see me and she used to go like, ah, that. So, not that. But I like it. But yeah, I mean, the rest of the time, whenever I met them, once we almost finished shooting, it was fun. A lot of people compared it with a comedy show called Schitt's Creek. Yeah, yeah. So, ye aap log clarify karna chahte hain. Do you all feel that there is some kind of... Yeah, I tell you, honestly, agar aap Schitt's Creek se humko comparison karein, to it's an honor to begin with. Yeah. Wo bahut hi legendary show hai, bahut hi zyada legendary show hai. Lekin बहुत ही एक छोटे लेवल पे शायद कुछ एक प्रेमाइस है जो मिलता है वहां पे. एक फैमिली आती है और एक होटल रन करती है, हम आते हैं, बट उसके पीछे की मोटिवेशंस, इंटेंशंस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज वो बिल्कुल अलग है. तो जस्ट बहुत ही थोड़ी सी, ऐसे तो यार किसी में भी कुछ भी मिल ही जाएगा. यू डू अ रोमांटिक फिल्म, आप बोलोगे पहले तो लड़का लड़की को हम देख चुके हैं प्यार करते हुए, या यू नो या एक्शन फिल्म देखोगे तो हर एक में कुछ ना कुछ है. But yeah, if people are comparing us for Schitt's Creek, please watch our show also. Yeah, we don't mind it. That's a huge compliment. अगर ऐसा लग भी पा रहा है तो बहुत बढ़िया है. Great. Mukti, you have a couple of releases that's coming together. तो ये बताया that, you know, we always see you do something different. Out of the box is your genre. मतलब लोग कहते हैं action comedy, मैं out of the box होना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ. What is your thought when you say yes to a role? How do you approach it? I'm glad you're saying that. I always consciously choose, like, I want to do something that'll resonating at that moment. And I used to do theater, I used to do plays, and I stayed away from camera because the kind of things that people end up doing after TV is quite, I think, the longevity of that, and then for how long you have to serve that role and for how many days you have to shoot. I was like, okay, I'd rather not do that, and I kept doing different plays and
kept going to different locations and different auditoriums, and then I realized that the same story becomes different in a different venue, you know. Mm. So I started having so much fun in that I, and a couple of times the audience members were casting directors, and they were like, "Tu to acting bhi karti hai?" And I said, "Haan." So iska ye audition hai, will you do it? And I was like, "Yes." And I love challenges, I love competitions, I love aise hota na test, and I was like, yes, mujhe karna hai. I've always been that child. So then I just took it on my stride and then ended up giving auditions. Aur sab ek saath hi shoot aaya tha aur sab ek saath hi release aa raha hai. So I was like, wow. I think touch wood. Yes. I shouldn't be like, I'm so grateful, so grateful. I genuinely wanted to address this also in a way that people used to always tell me that you act also, and now I'm like so happy that I can show that dekho, I've done something. No, but Urman, more than opportunity, it's like aap akele kuch nahi kar sakte ho. That lensing that is done for that frame, for you to look a certain way, for people to actually give you the right cues, and I think this is so humbling to kind of be on set. Everyone is doing their own thing, but still working towards the common goal. And us shot ke liye log kya kya nahi kar sakte, you know. So you feel so driven, motivated, and even more truthful to the moment, where you just want to do your best when you see actors like him, performers like her. And Vinay sir and Ishtiaq sir, NSD, FTI, I think aise lag raha tha ki sare, if you a ramp walk full of, like, you know, gold medalists would come. They are really good actors. Yeah. Such fun, and they would keep it light. They would, even off camera, they were cracking jokes. And the best scene was the sandwich scene. Yeah, yeah, correct, yeah. The best moment was that, and I enjoyed that night so much. Ek to thand lag rahi hai, reactions nahi aa raha, and internally we knew how much, you know, that we were enjoying that, and bahut, the entire experience of having an ensemble, yet each one has their own journey, and it's very difficult, I think, to give justice to each and every person's character, and also still entertain and not be preachy. Yeah. So I'm very happy and proud of Life Hill Gayi. Yeah. And the fact that Prem took it to that level, you know. It's because of Prem Mistry. Prem our director. She's saying, aap Raj Prem. Aap kahan chale gaye? Meri aankhon mein aansu aa gaye yaar, itni achhi achhi baatein. Ab sach batao, kya hua tha? अरे ये हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो भाव हैं शो को लेके, वो सबके सेम है, क्योंकि हमें बहुत मजा आया है सेट पे. और इस सेट पे सिर्फ ऑन, नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा भी बहुत मजा आया है, बिकॉज हम बैठते थे, हम बात करते थे, क्योंकि रहे तो आप हिल्स में रहे ना, ऐसे नहीं कि आप कहीं बाहर रात को जा सकते हैं बाहर. यू आर ऑल इन वन प्लेस एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम टुगेदर. सो ये बहुत सच बात है कि उस सेट पे होना बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज व्हेन यू हैव परफॉर्मर्स लाइक देम एंड देन सबका, जो उन्होंने नाम लिया कि देवेंदु है, मुक्ति है, विनय सर है, इश्तियाक खान सर, अतुल श्रीवास्तव सर, अन्नपूर्णा सोनी, यू हैव पीपल लाइक शशि वर्मा, यू हैव पीपल लाइक हेमंत पांडे, यू हैव लेजेंड्स, राइट. तो मेरे लिए, जो मैं एक सोशल मीडिया की दुनिया से आ रही हूँ, मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था जस्ट सीन वर्क देखना. जस्ट देखना कि एक सीन में जिसमें 6 लोग हैं, केमिस्ट्री कैसे बनती है, सीन परफॉर्म कैसे किया जाता है, बीट्स क्या होती हैं सीन की. सिर्फ एक्टिंग नहीं, रिएक्टिंग भी होता है, और दिस अ लॉट ऑफ द शो इज ऑल्सो रिएक्टिंग. और वो प्रेम ने मुझे पहले दिन ही आके बोल दिया. Nice. तो ये सीखना है सेट पे, मेरे लिए ये एक तरह से स्कूल जाना था, टू बी ऑन द शो, बिकॉज ऐसे अच्छे स्कूल से आए हुए हैं सब, FTI, NSD, पास आउट्स, तो आप जरा, आपको अपना देखकर चलना पड़ता है कि आप मतलब तमीज में रहें और अपने दायरे में रहें और लाइंस क्रॉस ना करें. और चुपचाप जो सीखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, आप चुपचाप सीखें. कभी कभार आपके एक्टिंग में साउथ दिल्ली की आंटी आती है, प्रकट हो जाती है? नहीं, इस शो में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी. नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड. और मैं
बहुत श्रेय देना चाहूंगी इसका देवेंदु को, प्रेम को, जो इनफैक्ट बिना कुछ कहे दे ऑल्सो इन शॉर्ट कि ऐसा कुछ ना हो. कल की एक बहुत ही रियल लड़की है, एक बहुत रियल कैरेक्टर है जो ठीक है प्रिविलेज से आती है, एंड यस मे बी समटाइम्स बोथ कैरेक्टर्स आर ब्लाइंडेड बाय प्रिविलेज, बट इट्स नॉट लाइक कि एक नॉर्मल ह्यूमन सिचुएशन में उनका रिएक्शन हमेशा स्टीरियोटाइपिकल हुआ. नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो पीपल, दे फील लव, दे फील फेलियर, दे फील विंस, दे फील नॉट बींग सीन फॉर हु दे आर. एंड कल की जिसका स्ट्रगल है कि उसकी फैमिली जो है पेट्रियार्कल, रिच होने के बावजूद है कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल, उसको शी इज नॉट बींग सीन एज अ सीरियस कंटेंडर टू रन दिस होटल, शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर सेल्फ सो बैड. सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ कल्कि दैट आई रियली रिलेटेड विद. आई एम समबडी हू वॉन्ट्स टू कॉन्स्टेंटली प्रूव माई सेल्फ. देव के कैरेक्टर के बारे में भी मैं यही बोलूंगी, लाइक हिज कैरेक्टर आर्क इज जस्ट सो वंडरफुल, एंड स्पेशली वॉट देव एंड हीमा द वे दे कम टूगेदर, बिकॉज हीमा ट्रूली इज द ब्रिज टू द इंडिया एंड भारत. शी ट्रूली इज, बिकॉज वो गाँव में बैठ के गाँव की छोरी नहीं है, एंड वो श्योर हर रूट्स आर फ्रॉम द विलेज, बट शी रिप्रेजेंट्स दिस वुमन हु हैज चोजन, हु इट्स हर चॉइस टू स्टे वेयर शी इज ग्रोन अप. दोज ब्यूटिफुल डिसीजंस ऑफ दिस शो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, लाइक दैट्स वेयर आई फील लाइक द शो हैज रियली ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई थिंक व्हेन द बैक स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर इज सो स्ट्रॉन्ग, यू नो, इट बिकम्स मच मोर इजियर टू रिलेट टू दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, एंड फॉर द एक्टर्स आई एम श्योर टू ऑल्सो यू नो वर्क देयर वे थ्रू सो इजिली. तो मैं एक लाइन जरूर बोलूंगी कि आप जब साउथ दिल्ली कैरेक्टर करते हैं ना, आप उसको एक ही टोन में करते हैं कि आपको बस लाफ चाहिए, तो आप जोक 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 जोक, बट यू नेवर ह्यूमनाइज इट, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने कभी एक साउथ दिल्ली आंटी किया, उनकी बैक स्टोरी क्या थी, क्यों है वो ऐसी. तो कहीं ना कहीं इस शो में व्हाई आर पीपल, या देयर स्केचेस एंड दिस इज कैरेक्टराइजेशन, दिस इज फिक्शन. सो या, do you think that since you're doing so many acting projects, there could be a time where you might have to take a break from content creation and then only focus on acting? नहीं नहीं, इतने तो projects ही नहीं है मेरे पास. अगर आप साल के दो भी प्रोजेक्ट करें या तीन भी प्रोजेक्ट करें, तो आपकी जिंदगी के 40 दिन ही या 50 दिन, अगर जो जिस स्केल के प्रोजेक्ट मैंने करे हैं, तो मेरी एक और प्रोजेक्ट है जो रिलीज होने वाला है, बट आई ऑलवेज गेट टाइम. एंड यू नो वॉट, यू कैन डिग डीपर, यू कैन ट्राई टू मेक बेटर स्केचेज, यू कैन ट्राई टू मेक स्केचेज विद मोर ऑनेस्टी, यू कैन ट्राई टू मेक शॉर्ट फिक्शन प्रोजेक्ट्स आर शॉर्ट वेल. आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स दैट, बट अभी मैं मजे कर रही हूँ, अभी मैं आई एम वर्कशॉपिंग, आई एम हैविंग फन, आई एम ट्राइंग टू लर्न द रियल डील, आई एम ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ सम टाइम. से कोई रश नहीं है, एंड अभी आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग कि लाइफ हिल गई, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई वांट टू मैरिनेट इन दैट हैप्पीनेस. अमेजिंग. हाय, मैं हूँ कुशा. हाय, मैं हूँ ऋषि निशंक. हेलो, मैं हूँ दिव्येंदु. हाय, मैं हूँ मुक्ति मोहन. और आप हमें देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा.